इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। चर्चित अनुपमा मर्डर केस में कोर्ट ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आपको याद होगा ये चर्चित अनुपमा मर्डर केस है जिसमें अनुपमा के पति ने ही उसके मौत के घाट उतारा था, फिर टुकड़े टुकड़े कर उसको रेफ्रिजरेटर में रखा था। सजा के साथ 15 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। 2010 में हुई थी अनुपमा की बेरहमी से हत्या, तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है आजीवन कारावास यहां पर फिलहाल उनको मिली है। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मनमोहन भट्ट जुड़ चुके हैं। मनमोहन, क्या था ये पूरा अनुपमा मर्डर केस, उसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को एक बार फिर से उनके जहन में केस ताजा कराएं, और आज क्या जो वकील थे उन्होंने क्या सजाए मौत की अपील नहीं की, क्या कुछ हुआ अदालती कार्रवाई में, वो भी तफसील से दें। देखिए, मैं आपको बताऊं पिनाक, ये 2010 का मामला है। राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी का मर्डर कर दिया था। धक्का मुक्की उन दोनों के बीच में हुई, उसमें अनुपमा गुलाटी की मौत हो गई, और उसके बाद उसने अनुपमा गुलाटी के शव को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले डीप फ्रीजर खरीदा, शव को उसमें रखा, और उसके बाद उसके करीबन 72 टुकड़े करे शरीर के, उसमें एक एक टुकड़ा वो ले जाकर जंगल में फेंकता था। लेकिन जब उसके घर वालों को ये बात पता चली, अनुपमा के घर वालों को जब ये बात पता चली, तो मामला फिर अदालत में पहुंचा, और आज अदालत ने सजा का इसमें ऐलान किया है। 302 आईपीसी की धारा में सजा आजीवन कारावास की दी गई है। जो सवाल आपने पूछा कि क्या जो अनुपमा के परिजन थे या वकील थे उन्होंने मृत्युदंड की मांग नहीं करी थी, बिल्कुल मांग करी थी। जो सरकारी वकील है और राजेश अनुपमा के जो सहयोगी वकील थे सरकारी वकील के साथ साथ, वो लगातार मृत्युदंड की मांग कर रहे थे। रेयर ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में इसको लाए जाने की मांग कर रहे थे। तमाम दलीलें दी गई थी, हाई कोर्ट के तमाम उदाहरण दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण दिए गए थे, लेकिन जो राजेश गुलाटी के वकील थे उनके 2-3 दलीलें थी जिससे ऐसा लगता है कि जज साहब प्रभावित हुए। उसमें एक दलील ये थी कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं था, प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था, और राजेश गुलाटी प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा समाज से राजेश गुलाटी को कोई खतरा नहीं है, इसका आचरण जेल के भीतर बहुत बेहतर रहा है, लोगों को, कैदियों को ये पढ़ाता था, योग और ध्यान करवाता था, ये समाज के लिए खतरा नहीं है, ये दलील शायद काम कर गई। और सजाए मौत से राजेश गुलाटी बच गया। अब इनको 2 केस में सजा हुई है, आजीवन कारावास की सजा मिली है जो मर्डर इन्होंने किया था, और साक्ष्यों को मिटाने के मामले में इनको 3 साल की सजा हुई है। दोनों सजाएं साथ चलेंगी, और 15 लाख रुपए का कुल जुर्माना राजेश गुलाटी के ऊपर लगाया गया है।